खबर है मिर्जापुर से। मुख्य अतिथि चुनार विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि भाजपा छोटे उद्देश्यों को लेकर राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी नियत निष्ठा व जनता के विश्वास को लेकर कार्य करती है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ विजय अभियान के लक्ष्य का दिया मंत्र व कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चुनार विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि भाजपा छोटे उद्देश्य को लेकर राजनीति नहीं करती है, बड़े लक्ष्य को लेकर की गई राजनीति के परिणाम स्वरूप राम मंदिर, धारा 370 आदि है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य कराने के बाद भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। भाजपा नियत निष्ठा व जनता में विश्वास को लेकर राजनीति करती है। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी प्राप्त दिलीप सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विस्तारक होता है, जिनके उद्देश्य दो कोण में होते हैं। पहला व्यक्तिगत संपर्क करना व दूसरा पार्टी की योजनाओं को एवं नीतियों व सिद्धांतों को बताकर लोगों को पार्टी से जोड़ना होता है। इसके उपरांत विधायक अनुराग सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्रम से सम्मानित किया। उक्त अवसर पर आलोक सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा काशी प्रांत अब्दुल कलाम अंसारी, सुमित जायसवाल, लक्ष्मण सिंह, बाबा बिंदेश ओझा, प्रभाव सिंह, मुस्तफा हसन व जौनपुर से आए पार्टी विस्तारक अखिलेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। अब आप चुनावी राजनीति में जा रहे हैं, लोकतंत्र के दृष्टि से जा रहे हैं, तो ये कैसे एहसास दिलाएंगे कि आपको क्या करना है? भाई सामने से विपक्षी पार्टी वाला आएगा तो वो अपनी पार्टी की जय जयकार करेगा, आप इधर से जय जयकार करेंगे, तो अंतर क्या रहा है? और किसकी जनता किसकी जय करेगा? जनता उसकी जय करेगा जिन कारणों से पिछली सरकार में उब के परेशान होके आपको विकल्प के तौर पे जनता ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। कैसे भाई सुमित जायसवाल जी और संजय मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान अब्दुल कलाम जी मंच में बैठे, जौनपुर से चल के आए श्रीमान अखिलेश सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय, हमारे महामंत्री द्वय, महिला मोर्चा से श्रीमती पार्वती जी, ऐसे यहाँ पे चेहरे तो सभी जाने पहचाने हैं और सबका नाम लेना और जिसमें खून न बहे बाकी सब कुछ हो वो राजनीति। तो अब हमको अपना बूथ जीतना है। दिलीप जी ने बताया कैसे जीतना है, क्या करना है, ये संगठन के तौर तरीके हैं, इस तरीके से करना आवश्यक है और इसके किए बिना हमको बूथ जीता भी नहीं जा सकता। ये संगठन की दृष्टि से हुआ, लेकिन अब हमको राजनीतिक तरीके से अगर बूथ जीतना है तो हमें साम दाम वंश भेद सब अपनाना होगा, इसलिए जरा सी भी कोताही नहीं करनी होगी,